फिल्म बनाने में कॉमेडी जो एक चैलेंज है, क्योंकि किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात है और वो भी स्वस्थ तरीके से, क्योंकि हमें यही चैलेंज मिला था यहीं से जब MSG 2 फिल्म थी या थर्ड थी, कि गुरु जी हंसाना बहुत मुश्किल है और वो भी बिल्कुल स्वस्थ तरीके से, तो बहुत ही मुश्किल है। उसमें कुछ ना कुछ आपको डबल मीनिंग्स या अश्लीलता ऐसा कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे आसपास इतना कुछ होता है कि जिससे हम हंसाया जा सकता है। तो वो एक चैलेंज के रूप में लिया और जब फिल्म को बनाया, अब वो 15 दिन में बन गई, कंप्लीट हो गई और ये लगा कि हाँ छोटी होगी। जब दोनों बाप बेटी बैठ के हम करने लगे एडिटिंग, क्योंकि एडिटर भी हम ही हैं, और जब एडिटिंग करने लगे तो वो 2 घंटे लगभग 36 मिनट के करीब बन गई, इतनी बड़ी फिल्म। और कटिंग करते करते 2 घंटे 19 मिनट की वो कंप्लीट हुई अब जो बन के आएगी। तो शूटिंग के टाइम भी ऐसा होता था कि लोग हंस हंस पागल हो जाते थे, और क्योंकि आसपास की चीज़ों को हमने लिया जो नेचुरली होता रहता है, कुछ ऐसा नहीं किया कि मतलब गलत चीज़ को लिया जाए, वैसे गलत भी बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं, हमने स्वस्थ चीज़ों को पकड़ा इस मूवी पे जो मैंने डायरेक्शन की पापा के साथ। तो बाकी मूवी से बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस मूवी ये 15 डेज में कंप्लीट होगी और इस मूवी में हम इतना हंसे कि डायरेक्शन करना मुश्किल हो गया था, कट करना मुश्किल हो गया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। असल में ये टाइटल बहुत पहले हमें इसलिए मिला था क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं और 30 नेशनल गेम खेले हुए हैं, प्लेयर भी हैं, प्लेयर में वैसे ही कॉमेडी चलती रहती है, क्यों कहीं भी चले जाते हैं, जुराब 2 दिन नहीं, 2 ही कमरे में गया, बाकी सारे बाहर अकेला वो रह गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कॉमेडी ही बन जाती। तो पर ये जो जट्टू इंजीनियर जो शब्द पड़ा, तो जैसे एक बस में छोटी गाड़ी घुसानी थी तो वो लगे हुए थे कि हम एंगल बाहर लगाएंगे तो ताकि गाड़ी इधर उधर ना जो छोटी ऊपर जाएगी। तो 2 दिन हो गए उनको, USA के साइंटिस्ट थे, इंडिया के भी थे लुधियाना साइड से, 2 दिन से उनसे नहीं हुआ। हम आए गेम खेल के आ रहे थे, कहने लगे गुरुजी ये बात है, हमने कहा कुछ नहीं, आप एंगल को नहीं अंदर की साइड लगा लो, टायरों के अंदर भी रहेगी तो अभी टायर इधर उधर नहीं जाएंगे। उसने मारा माथे पे हाथ, कहते ये कौन है, कहते ये संत, कहते नहीं ये जट्टू इंजीनियर, इसने इंजीनियरिंग नहीं की, हम इंजीनियर फेल हैं और ये पल में बता गया। तो वो उससे फिर वो नाम पड़ा। चलते चलते हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे अभी हमने केसर वहाँ पैदा कर लिया हरियाणा में, जो कि जम्मू कश्मीर में ही होता है थोड़ी जगह पे, या अफगानिस्तान में होता है हमारे, लेकिन हमने भारत के उस जगह पे यहाँ बहुत टेम्परेचर है तो केसर तैयार कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, नई नई चीज़ें, तो जो कि अपने आप में बेमिसाल हो जाती है, वो राम अल्लाह की रहमत कृपा कह लें, पर वो एक नाम पड़ा तो उसी को लेके हम इसमें आए कि कैसे वो क्या कर सकता है आके फिल्म में, अगर वो आता है तो कैसे वो करेगा, तो वो एक चीज़ लेके आए। वैसे तो मुश्किल होता है क्योंकि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रियल लाइफ में जब हम खेला करते थे तो हमारा एक ही एम होता था, पूरे गांव में, पूरा एरिया में, जहाँ भी हम जाते थे कि कोई उदास है तो उसको हंसाना है, ये एक नेचर हमारे अंदर था। तो वो चीज़ें हम यहाँ भी लेके आए हैं इसमें, तो ऐसा इसलिए मुश्किल नहीं लगा, लेकिन जब दूसरों से करवाना था तो बड़ा मुश्किल लगा। एक एक लाइन के लिए 20-20 टेक भी हुए हैं, ऐसा भी हुआ, बड़ी मुश्किल आई डायरेक्शन करते टाइम, लेकिन एक्टिंग करते टाइम तो कोई मुश्किल नहीं आई। जब पापा का जब होता था टेक तो कोई मुश्किल नहीं होती थी, बट ऑब्वियस है कि अकेले तो मूवी में नहीं होंगे, तो साथ जो आप देख रहे हो ये सब जो न्यू कास्टिंग की है, पापा नए लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनको जब एक्ट कराना था, कॉमेडी करना आसान बात तो है नहीं, तो वो एक जने का ऐसा हुआ कि गेयर अड़ गया, वो टेक पे टेक हो रहे थे, 20 टेक्स हो चुके थे, तो मेरा तो मैंने कहा मेरे से तो नहीं होगा, अब ये हद हो गई, इसको एक लाइन नहीं समझ में आ रही है। तो फिर उस टाइम मैंने डायरेक्शन छोड़ दी थी और पापा ने भी डायरेक्शन करी थी ऐसा भी हुआ था कि अब मैं नहीं करा पाऊँगी, तो फिर पापा ने आए, उसको कूल डाउन किया, उसको पानी पिलाया, उसको समझाया, तो फिर वो पापा ने सीन लिया, ऐसे भी हुआ कुछ। हमें लगता है किसी में टैलेंट है तो उसको करना चाहिए सब कुछ, पर अगर ज़बरदस्ती है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती लोग आपको कहेंगे वाह वाह कमाल का गाया, बहुत अच्छा गाया, पीछे कहें यार सिर दर्द हो रहा है, बाद में चाय वगैरह लेते, तो वो उनको नहीं गाना चाहिए, लेकिन जिसमें रियल में है, क्योंकि हम तो शुरू से गाते थे, बाद में एक्टिंग में आए हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे भी होंगे बॉलीवुड में भी हर जगह, कि जो वाकई गाते हैं अच्छे तरीके से, सुर का ज्ञान है, गाते अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, तो वो क्यों छोड़ें, अपना ईश्वर अल्लाह राम ने दिया टैलेंट है तो वो क्यों रोकें अपना। Yeah.